आज की वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं दो बटन वाले ऑयल स्टार्टर के बारे में। दोस्तों, इसकी पत्ती कैसे चेंज की जाती है, जिसे हम लोड पत्ती भी कहते हैं और पॉइंट पत्ती भी, इनकी पत्तियों को हम चेंज करने वाले हैं। तो उसके पहले आप ये बोल्ट इधर साइड में लगे होते हैं, ये बोल्ट आप खोल लें नीचे साइड के, और इस तरह से आपको निकाल लेना है दोस्तों। और निकालने के बाद में इस तरह से रख लीजिए। तो दोस्तों, ये हमारे पास न्यू स्टार्टर है, फिर भी आपको अब हम बताने वाले हैं कि कैसे इनकी पत्ती चेंज की जाती है। तो सबसे पहले हमें ये यहाँ पे देख लीजिए, ये जो दो बोल्ट लगे होते हैं दोनों साइड पर, हमें ये दोनों बोल्ट ही खोलने होते हैं। तो इनको अब हम पहले खोल लेते हैं, ये पेंच खोल लेने हैं। और दोस्तों, खोलते समय एक बात का ध्यान रखें, अब जिस साइड को मैग्नेट कॉयल खोलें, जिस साइड को ये मैग्नेट कॉयल होती है उसी साइड को आप इसको कसें, नहीं तो अगर आप घुमा देते हैं तो आपका स्टार्टर काम नहीं करेगा। तो ये हमने खोल लिए हैं पेंच, अब हम इसको ऊपर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारी चार पत्ती इधर साइड में लगी हुई हैं और चार पत्ती इस साइड में लगी हुई हैं। तो दोस्तों, हमारा मेन लोड जो होता है वो थ्री फेज़ का होता है, वो तीन पत्ती पर चलता है हमारा। और जो ये एक पत्ती पड़ी होती है, ये आपकी अर्थ की होती है, जो हमें हमारी कॉयल को अर्थ देती है, ये लगी होती है, देख लीजिए इस पर, ये अर्थ का काम करती है दोस्तों। तो दोस्तों, देख लीजिए, ये थ्री फेस होता है, तो तीन पत्ती इसमें लोड की लगाई जाती हैं कॉन्टेक्टर में, तो और एक ये हमारी हल्की लगी होती है। दोस्तों, ये इसका सिर्फ काम होता है अर्थ देना, मतलब कॉयल को अर्थ देती है ये दोस्तों। तो इस पर लोड नहीं चलता है, मेन लोड आपका ये तीन पत्ती पर चलता है, जिसके लिए आपको ये तीन पत्ती ही खोलनी है, ये साइड वाला आपको नहीं खोलना है। तो दोस्तों, अब इनको भी हम फटाफट खोल लेते हैं। ये हमने एक साइड की तीन पत्ती खोल ली है, देख लीजिए दोस्तों, ये तीन पत्ती हमने एक साइड की खोल ली है। अब हम इस साइड की भी तीनों पत्ती खोल लेंगे, इस तरह से रख के हमने सारी पत्ती इसके खोल ली है, देख लीजिए सामने सामने की तीनों पत्ती हमने खोल ली है, जिन पे हमारा लोड चलता है। आपको नए स्टार्टर पर रिपेयरिंग का काम बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रिपेयरिंग का भी काम करता हूँ और नए स्टार्टर भी बेचता हूँ, तो ज़्यादातर वीडियो हमारे नए स्टार्टर पर ही रहते हैं। तो इसको हमने खोल लिया है पूरी तरह से, लीजिए हमारे पास तीन बॉक्स रखे हुए हैं और तीनों अलग अलग मॉडल के हैं। तो दोस्तों, एक एक करके आपको हम दिखा देते हैं। अगर आप मार्केट से पत्ती लाते हैं तो आपको बिल्कुल सेम पत्ती लानी है, क्योंकि मार्केट में ये देख लीजिए कई मॉडल के पत्ती आते हैं। ये हमारी फ्लाइट वाली पत्ती होती है, ये आपको नहीं लगानी है। ये देख लीजिए, ये हमारी पत्ती है दोस्तों, इस पत्ती को हम इसमें लगाएंगे। ये कॉपर की होनी चाहिए पेवर, आप जब मार्केट से लें तो इसको चुंबक की मदद से या चेक कर लें कि आपका ये कहीं लोहा मिक्स तो नहीं है। अगर लोहा मिक्स होगा तो आपके स्टार्टर की पत्ती बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो ये सावधानी आपको रखनी है लाते समय, इसको ज़रूर चेक करें, ये आपका कॉपर का होना चाहिए, अन्य कोई नहीं चलेगा। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं, देख लीजिए ये हमने खोली थी और ये अब हम नहीं लगाने वाले हैं, हमें करना है और इस तरह से रख के, तो हमें इस तरह से रख के ये टाइट कर लेनी है एक एक करके। देख लीजिए इस तरह से हमें एक एक करके ये सारे पॉइंट कस लेने हैं। अब इस पत्ती को भी हम कस लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। और ये पत्ती कसते समय दोस्तों ध्यान दें, ये आपकी पत्ती कोई सी भी ढीली नहीं रहनी चाहिए, जितना हो सके उतना टाइट आप इस पत्ती को कसें। अगर आप इसको लूज छोड़ देते हैं तो आपकी पत्ती बहुत जल्द ही ख़राब हो जाती है। देख लीजिए इस तरह से आपको पत्ती सभी टाइट कर लेनी है। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, हमने सारी पत्ती यहाँ पर चेंज कर दी है और देख लीजिए किस तरह से हमने इसमें बिठाई है। तो आपको भी इसी तरह से बिठा लेनी है। और उसके बाद में दोस्तों, ये जो आपका ये होता है मैग्नेट जो ऊपर से आपका बिठाया जाता है, अब हम इसकी पत्ती चेंज करना आपको बताएंगे। तो इसको इस तरह से रख लेंगे, देख लीजिए, और ये तीन पत्ती हमारे पास हैं। अब इनको किस तरह से लगाया जाएगा तो देख लीजिए, सबसे पहले अब हमें इन दोनों पेचों को खोलना होता है, ऐसे खोलेंगे, ये हमने खोल लिया है। अब इसको हम ऊपर की तरफ इस तरह से उठा लेंगे, एक साइड में इस तरह से रख लें। रखने के बाद में आपको ये एक एक स्प्रिंग उठानी है इस तरह से, और फिर ये पत्ती एक एक करके आराम से निकाल लीजिए। दोस्तों ध्यान दें, इस तरह से आपको निकालना है और फिर ये पत्ती आपको ये नई वाली इस तरह से इसी में बिठा देनी है। ये आप इस तरह से बिठा लें और उसके बाद में ये स्प्रिंग डालना ना भूलें। फिर स्प्रिंग आपको इस तरह से कर लेनी है, आपको अर्थ की पत्ती नहीं चेंज करनी है दोस्तों। इस तरह से रखने के बाद में आपको ये फिर आपको इसी तरह से उठा लेना है और ऊपर से ऐसे रख देना है और इस पेंच को टाइट कर लेना है। अब हम इसको टाइट कर लेते हैं, अब हम इसको इस तरह से टाइट कर लेते हैं, देख लीजिए ये हमने टाइट कर लिया। और टाइट करने के बाद में दोस्तों, ये पत्ती ऊपर की तरफ इस तरह से आप चेक कर लीजिए, ये चल रही है या नहीं, कहीं आपकी फंसी तो नहीं है पत्ती, नहीं तो आपकी ये दिक्कत करेगी। तो इस तरह से आपको
सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद में दोस्तों जो अर्थ की पत्ती आपकी इस साइड थी तो आपको इसी साइड पर इस तरह से रखना है। अगर आप इसको इस तरह से घुमा देते हैं तो दोस्तों ये स्टार्टर आपका काम नहीं करेगा। आप जब हरी बटन को दबाएंगे तो दोस्तों वैसे ही आपका स्टार्टर स्टार्ट करेगा, और जैसे ही आप हरी बटन को ये छोड़ेंगे बाहर की तरफ तुरंत ही आपका स्टार्टर बंद हो जाएगा। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, आपको अर्थ वाली पत्ती ये पत्ती इस साइड रखनी है। तो इस तरह से आपको रखना है, इस तरह से बिठा लेना है और उसके बाद में ये दोनों ही पेंच की मदद से इसे टाइट कर देना है। और दोस्तों ये बराबर टाइट करें, कम ज़्यादा बिल्कुल ना इसको कसें, नहीं तो आपकी ये ट्राली एक साइड को थोड़ा अल्टर हो जाएगी, मतलब तिरछा हो जाएगी, तो पत्ती आपकी सही नहीं बैठेगी। और सही पत्ती नहीं बैठेगी तो आधा लोड किसी पर ज़्यादा लोड जाएगा और किसी पर कम जाएगा, जिससे कि आपकी पत्ती ख़राब हो जाएगी और आपके मोटर के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसको हमने कस लिया है, अब इसको अब हम बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें।